अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मिजाज भी आपके अच्छे होंगे। और सुबह का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे परिंदे बड़े बोल रहे हैं। और आज आपको बताना है कि आज सूरज ग्रहण उसके भी लगेगा, आपने ज़रा उस पर चौकन्ना रहना मोहसिन भाई। वो बच्चे होते थे हम बचपन में, तो हम बड़ा उसको देखा करते थे, लेकिन वो डैमेजिंग। हाँ, बट इट इज़ डैमेजिंग मोहसिन भाई। कैसे मिजाज हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, सुप्रभात एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी फाइन। और आज संडे का दिन आपने जो है डेडिकेट कर दिया है फैंस को, हैं? हाँ, ज्यादा मैसेजेस और सारा क्वेश्चंस और मैसेजेस वगैरह। ये तो आपने बहुत कमाल किया रिजवान साहब। बस भाई, इनकी मोहब्बत है, कहते हैं हमारे नाम नहीं आते, क्वेश्चंस नहीं आते। करोड़ था वो, आपने गलती से 200 करोड़। ये देखो भाई, ये आज का सफा है, वो कल का सफा है। ये लिखा भी हुआ है 2000 करोड़, लेकिन वो बस बोलने में निकल गया। $330 मिलियन भी साथ में लिखा हुआ था, हो जाता है, लेकिन आपने करेक्शन कर दी। माफी, नो, इट्स ओके, इट हैपेंस। नहीं, अच्छे लाइटर मोड में थे। समझते हैं हमारे फैन के, थोड़ा बहुत इंसान से हो जाता है। और हो जाता भाई, परिंदे बड़ा अच्छा, बड़े बड़े देशों में। ये देखे N95 रिजवान नहीं लगा रहे, कहते हैं मुझे सफोकेशन होती है। मैंने कहा मुझे भी होती थी, आधी बनो। और ये अब आपकी इजाजत से जो है ना, ये पैन की ना वो फीलिंग आती है, वो हॉलीवुड की मूवीज में वो विलन नहीं होते, वो गैस शैस फेंक के उन्होंने मुंह पे चढ़ाया। अच्छा, वो मैड मैक्स सीरीज आपको याद आ गई, ऐसा ही कुछ। तो जी, ज्यादा आज के आपके क्वेश्चंस होंगे और उन्हीं पे ज्यादा गपशप होगी। जो नाम जो लोग कहते हैं ज्यादा नाम नहीं लेंदे, आज काफी लोग। और आज तो एक बड़ा मजेदार, किसी ने क्या कहते कि पैसे लेके नाम ले। अच्छा, ये किसने? वो मैंने आपको भेजा है, आखिर में जो भेजा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कितने चार्जेस रखने हैं फिर? मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत, यही चार्ज है हमारा। वाह वाह वाह, हमारा दिल आपके लिए है, ये दिल आपका हुआ। अच्छा जी, एक तो शोएब मलिक साहब, जरा वो नहीं छोड़े शोएब मलिक को जी, गंगुली साहब से आज नेटवेस्ट ट्रॉफी वाली। हाँ, आज ही गंगुली साहब ने वो ट्विटर पे टैग किया नासिर हुसैन को, वो ट्रॉफी पकड़ी हुई नेटवेस्ट सीरीज की। पूछे थे यार ये याद नहीं आ रहा, ये कौन सी वाली है ट्रॉफी, जरा बताना कौन सी है। फिर उसने भी नीचे नासिर हुसैन, उन्होंने भी कुछ ट्वीट किया, फनी याद आ गया नासिर हुसैन को। हाँ, वो फनी सा ट्वीट। युवराज याद आया, कमीज लहराना याद आया, कैफ याद आया, कौन याद आया उन्हें? अब ये तो नहीं पता कि कौन याद आया, लेकिन बहरहाल वहां से युवराज और कैफ ने बता दिया कि तेंदुलकर, सहवाग, गंगली, ड्राविड ना भी स्कोर करें तो हम है ना। और फिर बड़ी अच्छी तरह बताया कि 325 जैसा पहाड़ हो, लेकिन जहाँ हम हो वहाँ कुछ पहाड़ जो है मानी नहीं रखते। अच्छा देखिए, मैं आज भी ये कहता हूँ, बहुत बिल्कुल मेरे दिमाग में आज भी उसी तरह फ्रेश है। देखिए, गंगली अपने जज्बात का इजहार बहुत कम करते थे, लेकिन जब आप किसी को छेड़ेंगे तो रिस्पॉन्स जो है वो आएगा। और ये एक शेयर और प्योर जो है ना, प्योर एक क्रिकेटिंग सेंस में रिस्पांस था। बेशक वो बालकनी में थे, बेशक वो कप्तान थे, मैं समझता हूँ मैं तो बहुत अग्रेसिव कप्तान था, बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा करता। गंगली ने जो किया, उनके एक्शन जो हैं, आई फुली इंडोर्स दम। आप क्या मतलब, शर्ट उठा के डोले शोले भी दिखाते हैं? डोले शोले क्या दिखाते, मैं तो कुट भी लगाता बड़ी दफा ऐसा हुआ है। कबड्डी का मैच है, क्रिकेट का मैच है। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं ना रिजवान, तो आपके पैशन जो होते हैं आपकी टीम के लिए होते हैं, आपके मुल्क के लिए होते हैं। जब आप किसी को छेड़ते हैं तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो आगे से आपको जो कहेगा कि जनाब एक और, ऑब्वियसली तो अनु कहेगा आजा फिर देख लेने। बिल्कुल जी, हारी हुई सिचुएशन थी, जो आगे फिर युवराज और कैफ ने जो मैच बनाया, आपके सारे पांच के पांच बड़े प्लेयर आउट हो गए थे। और युवराज की बड़ी शानदार इनिंग्स, और कैफ हालांकि एवरेज ही खिलाड़ी थे, लेकिन उस मैच में बड़ा एक्सेप्शनल खेले। वो थे एवरेज खिलाड़ी, आप इस पे हंस रहे हैं, फील्डर बड़े आउट क्लास थे, लेकिन युवराज की बड़ी लाजवाब इनिंग्स, और गंगुली ने स्टार्ट बड़ा अग्रेसिव किया। यार एक बात है, युवराज की जितनी इनिंग, अब मैं रात को भी एक मैच देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर जहीर खान का मैंने देखा कि 60+ रन इन्हें चाहिए, और जहीर खान और उसने पूरे कर लिए यार, स्पिनर जो था इनका लेफ्ट आर्म, कमाल इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उसमें सारे ब्रैंकन और जॉनसन और ये सारे थे, और ब्रैडली था, ब्रैडली को स्ट्रेट 6 मार दिया जहीर खान ने। यार ये देखे, ये होता है कि आपकी टेल भी जो है ना वो खड़ी हो जाए,
तो फिर मजा आ जाता है चेस करने का। जी रिजवान, लेकिन वो कोई ईच बरात पे ही करते थे जहीर खान, कोई छक्का यार जो भी है। देखें उन्होंने बॉलिंग से तो जिताए जिताए हैं, उन्होंने बैटिंग से भी मैचेस जिताए। बहरहाल जी, टारगेट बड़ा मैसिव था, 260-70 उस जमाने में विनिंग टारगेट जो है कंसिडर किया जाता था, और बड़ा बेहतरीन उन्होंने, और गंगुली का जी डेब्यू भी था टेस्ट में उनके, आई गेस लॉर्ड्स में उन्होंने सेंचुरी की थी, 17 चौके मारे थे उन्होंने, ड्रेविड का भी कोई डेब्यू था। और मजे की बात है 20 जून को कोहली साहब का भी डेब्यू था। अच्छा, गंगुली साहब जो सौरभ गंगुली है उनके मुतालिक कोई खबरें चल रही थी, कोरोना वगैरह हो गया, लेकिन BCCI के उस स्पोक्समैन ने कहा जी ऐसा नहीं हुआ, और उनकी एक कोई फैमिली मेंबर है आई गेस भाभी, उनको हुआ है कोरोना जो। चले जी, गेट वेल सून। तमीम इकबाल के बड़े भाई को भी हुआ है, मुशफी मुर्तजा जो सबका कप्तान है बांग्लादेश, उनको भी हुआ है। नफीस इकबाल क्या नाम है खिलाड़ी का, उसको भी हुआ है। तो हमारी जनाब दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द से जल्द सेहतियाब करे, और ये अपनी फैमिलियों के लिए। और आज हैप्पी फादर्स डे भी है, तो तमाम दुनिया के जो बाप हैं, दुनिया के बाप हमारा, यानी कि दुनिया में जहाँ जहाँ फादर्स हैं, देखिए इनको हमारा सलाम है। ये बाहर धूप में, छांव में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, तूफान में, पहाड़ों में, दरियाओं में, रोडों में, और दरियाओं में भी, दरियाओं में हर जगह मेहनत करते हैं, और अपनी बेगमात का और माओ का साथ देते हैं। तो हमारा सलाम है जी उन तमाम लोगों को, और वो तमाम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके वालदैन का साया उनके सरों पे, अल्लाह ताला उसे कायम रखे, और इसी तरह वो अपने वालदैन की ब्लेसिंग्स जो हैं वो इन्जॉय करें। बिल्कुल सही बात है जी। और उसके अलावा और आप बहुत खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला आपके वालदैन का साया आप पे सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। दुआओं का एक अनमोल खजाना है जो आपके पास है। बिल्कुल सही बात है जी। और फिर शुएब मलिक के, खैर मैं आपको बताता हूँ हल्का सा कि उनको PCB ने कहा कि ठीक है भाई साहब आप लेट ज्वाइन कर लें टीम को, क्योंकि 4-5 महीने हो गए हैं फैमिली से वो मिले नहीं, क्योंकि पता है लव स्टोरी इंडिया पाकिस्तान की है, आपको पता ही है सानिया मिर्ज़ा भाभी हैं हमारी, तो 5 महीने हो गए नहीं मिले, बेटा भी है उनका, वो यहाँ सियालकोट में अटके हुए हैं, वो वहाँ पे हैदराबाद में, तो अब शायद दोनों अटके हुए हैं, वो उधर अटके हुए और झटके लग रहे हैं, ये इधर है और कुछ ऐसा ही है। तो उनको PCB ने कहा कि आप भाई थोड़ा लेट ज्वाइन कर लो, आप जरा मेंटली रिफ्रेश हो जाओ जाके। ये तो वही गाना आ गया ना, क्या हम तुम पे हम हैं अटके आ रहा दिल भी मारे झटके। अच्छा, सलमान खान की। सलमान खान की मूवी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि तुम हो जरा हटके ये गाना था ये। हाँ, आप प्लेबैक सिंगर बन सकते हैं। नहीं मैं प्लेबैक सिंगर नहीं, तो नहीं, क्या आप बैक सिंगर भी नहीं बन सकते हैं, लेकिन वो शायद फिल्म सिनेमा में चले ना। नहीं, फिल्म तो चल जाएगी, लोग बेहोश हो जाएंगे। अच्छा जी भाई साहब, हारिस रऊफ कहते हैं जी मैं टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, अगर यही मोटिवेशन रही तो होपफुली बन भी जाएंगे। पिछले दिनों हम लाइव जब वीडियो कर रहे थे पीछे ही वहाँ बैठे हुए थे, तो प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ डायमंड ग्राउंड में, तो अच्छी बात है, एम्बिशंस अच्छी होनी चाहिए। जैसे रोहिल नज़ीर के लिए राशिद भाई आए थे परसों, और बड़ी उन्होंने उसको प्रैक्टिस कराई है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब इतने ग्रेट्स आते हैं तो यंगस्टर्स जो हैं वो मोटिवेट होते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सही बात है जी। विनय कुमार कह रहे हैं जी 2008 से 11 तक क्या बेस्ट नंबर 4-5-6 था इंडिया के पास, युवराज रैना और धोनी। ट्रू, बिल्कुल था जी, बेहतरीन और वर्ल्ड का विनिंग कॉम्बिनेशन था ये, इसीलिए उन्होंने देखे ना 7 तक भी आप इसको लेके जाएं, बल्कि 8-9-10 तक भी ले जाएं, 11 तक भी ले जाएं, इनके पास बड़ी अच्छी डेप्थ थी, बड़ी डेप्थ थी इनके पास, इसीलिए ये मैचेस जो है ना, अब वो जितना मर्जी श्रीलंकन मिनिस्टर क्या साल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 2011 के साल तक ले जाए, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए देखे ना वो श्रीलंकन मिनिस्टर जितना मर्जी रौला पांदा रहे, लेकिन जेड़ा इन्होंने मैच जीतया वो तो सारे देखे ना वर्ल्ड टाइटल 28 साल, उसको तो वो क्लास ले रहे हैं वो कुमार संगकारा और जयवर्धन। उसका ये क्लेम है जी, मैं खिलाड़ियों के मुतल्लिक तो मैंने बात ही नहीं की, वो तो कह रहा है जो ऑफिशियल हैं दूसरे, उन्होंने जी उससे जैसी वर्ल्ड कप खत्म हुआ गाड़ियों के शोरूम खरीद लिए, तो वो संगकारा और जयवर्धन बड़े मजे ले रहे हैं उनके, वो कह रहे हैं कि अच्छा जी जो प्लेइंग 11 है उसने फिक्स नहीं किया, तो बाहर बैठक क्या कर लेगा कोई, ये तो वही है ना घसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ ऐसे ही वो सीन है। तो जी बिल्कुल, नंबर 4-5-6 तो उनका गया ही गया, 4-5-6 मैं तो कहता हूं इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए मिनिस्टर साहब पे। कोहली इज अ टेरिफिक गाय,
स्मिथ ने ये बोला है और वो ये रिस्पेक्ट है ना। हाँ, और कहते हैं आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का भी रिलेशन है और दोनों टॉप के खिलाड़ी हैं तो एक दूसरे का जो एक जाहिर है कि अच्छा खिलाड़ी हो टीम में भी रिस्पेक्ट होती है, दूसरी टीमों में भी रिस्पेक्ट होती है। और आपके चेयरमैन जो हैं पीसीबी के चार्टर्ड जहाज पे छुट्टियां मनाने जरा जा रहे हैं इंग्लैंड। वैसे तो ये बेचारे बहुत असूलों के, बड़े असूलों के पाबंद हैं। सिर्फ क्या है पीसीबी अगर सारी जा रही है तो यार मौसम में जा सकते हैं। कोहली और स्मिथ की बात हो रही है, आपको एहसान मानी याद आ गई। मैंने कहा आपको बता दूं चार्टर तैयार है, बीच में याद आ गया। हो रही है ना वहाँ पे, अपनी बात भी तो होनी चाहिए ना। कि जो लोग कहते हैं ये प्रेसिडेंट सेट करते हैं, हमारे लोग जो है बेगमात नहीं जा सकती प्लेयर्स की, लेकिन इनकी जा सकती है क्योंकि ये चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के। चलो जी, पहुंच गए एहसान मानी साहब इंग्लैंड, पहुंच जाएंगे सारे, पहुंच जाएंगे। कोहली स्मिथ पे आ रहे अच्छा जी, स्मिथ आपको पता ही है कई काफी वो हूटिंग वगैरह हो रही थी इंडिया के खिलाफ जब मैच था वर्ल्ड कप का, तो कोहली जाके बोला कि भाई कोई अच्छा काम करो, कोई तालियां शालियां बजाओ, तो स्मिथ को बड़ी ये बात पसंद आ गई है। इंडिया के खिलाफ नहीं हो रही थी, स्मिथ के खिलाफ, स्मिथ के इंडिया थी। खिलाड़ी थे, इंडिया के ऑडियंस थी ना। नहीं, जरूरी नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस भी कर रही हो। ऑस्ट्रेलियन क्यों करेगी यार, चीटर। और ये यहाँ पे उस जो हमारे एक दोस्त थे जिन्होंने कहा जी हिटमैन शर्मा क्यों न्यूजीलैंड में जख्मी हुआ था, क्यों इंजर्ड हुआ था, तो ये उनके लिए भाई जख्मी होना तो आपके ऊपर नहीं है ना हाथ में, लेकिन चीटिंग करना तो आपके हाथ में होता है ना, करें या ना करें। जी ठीक है जी। और स्मिथ का ये भी कहना था कि बड़ी अच्छी शानदार कप्तानी वो कर रहे हैं अपनी इंडियन टीम की। और वैसे आप वैसे पहले जब नए नए आए थे काफ़ी अग्रेसिव थे कोहली, मतलब कोई मिडल फिंगर क्राउड को दिखा दी, कुछ इस तरह के बोल दिया। बेन के साथ होता है ना एज फैक्टर, बेन स्टोक्स को बहुत ज़्यादा याद करते थे, अभी भी कभी कभी करते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी मेच्योर हो गए हैं, उनकी पर्सनैलिटी अब लवेबल किस्म का वो अब या नहीं, पहले नहीं थे। नहीं विद द पैसेज, आप जिस ऑडियंस को वो इस तरह बोलेंगे तो वो क्या देखें 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 रिजवान, एग्रेशन जो होता है ना इट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड डिसरिस्पेक्ट इज समथिंग डिफरेंट। वो हमेशा से कोहली जब आया है यंगस्टर था आपको पता ही है, तो उसने हमेशा इंडियन फैंस और इंडियन टीम और वर्ल्ड वाइड उसने बड़ी अपनी अपनी बैटिंग की वजह से ऑब्वियसली उसने बड़ी रिस्पेक्ट इंजॉय किया। बाकी एग्रेशन तो जवानी के साथ साथ होता है, आप में भी बड़ा होगा, हम में भी बड़ा था। और बहरहाल भाई इतने माड़े कप्तान नहीं है, आप जरा उनको ना थोड़ा हाई रेट किया करें। चले शुक्र है यार, ये आपके लिए भी है वैसे। क्या मैं कब कहता हूँ वो अच्छा कप्तान है? स्मिथ जो करते हैं उनके लिए भी ये है कि कोहली बहुत अच्छा कप्तान है। तो स्मिथ तो अभी कप्तान नहीं है ना, लेकिन जब वो था तो वो भी अच्छा कप्तान तो था। अपनी गलती से बाहर हुआ था ना वो कप्तानी से, तो हमने थोड़ी किया था। अगर कोहली की तारीफ कर रहे हैं इसका ये मतलब तो स्मिथ अच्छा नहीं है, वो भी नहीं, स्मिथ इज अ वेरी गुड बैट्समैन, हमने तो नहीं कभी कहा कि वो नहीं है। शिवम सिंह कह रहे हैं जी बाबर आजम कप्तानी का वो पूछ रहे हैं, भाई इस पे हम काफ़ी वैसे डिबेट कर चुके हैं पहले भी, और मेरे ख्याल में तो ये ठीक ही है फैसला। मौसम भाई कहते हैं कि नहीं अभी वो बच्चा है। नहीं मैं ये कहता हूँ कि अब बस आएगी ना 3 T20 तो इसमें पता चल जाएगा उनकी कप्तानी और बैटिंग दोनों का इंग्लैंड में है। थोड़ा सा टाइम है, लेट्स सी। मैं तो अब भी आई स्टैंड बाय माई वर्ड्स जल्दी दी है, लेकिन मे बी इज ए गुड कैप्टन, लेट्स सी। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, शायद कि अच्छा हो शायद कि अच्छा ना हो। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई और कैप्टन नजर नहीं आ रहा था प्लेइंग 11 में, कोई परमानेंट खिलाड़ी जो कि 100% जिसकी टीम में जगह फिक्स हो। बहरहाल पाकिस्तान में तो हमेशा वो कप्तान बनते आए हैं जिनकी जगह ही नहीं होती थी, तो वही है। नहीं तो अब वो एक प्रेसिडेंट बन गया तो अब उसको चेंज नहीं करना, वैसे ही चलता रहेगा। चेंज अगर करना होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंज ना आ जाती। हाँ तो चेंज तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगा ना, मानी साहब गए ना इंग्लैंड, सीख के आएंगे ना वहाँ से चार्टर तैयारे पे, अभी आप कह रहे हैं तो कुछ सीख के आएंगे ना, और सीख के आएंगे और किस तरह बंदों को लेके जाना। अच्छा जी, ड्रेविड कह रहे हैं जी डोंट थिंक वी आर इन अ पोजिशन टू रिज्यूम क्रिकेट इन इंडिया एट द मोमेंट, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन इट मिस्टर मोहसिन? Why we are due to corona, because he's saying situation is not clear yet and we have to wait for some more weeks or probably months. वो भी तो थोड़ा सा आगे चला गया ना साउथ अफ्रीका का भी जो था। हाँ, उन्होंने कहा we are not ready yet. गवर्नमेंट कह रही है कोई नहीं अभी तो देखे, जून चल रहा है और जो रिकवरी रेट आ रहा है ठीक है, केसेस भी आ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट इज वेरी वेरी हेल्दी एंड वेरी मतलब वेरी पॉजिटिव साइंस। अल्लाह करेगा एक महीना और देख लें। वर्ल्ड कप के लिए तो ऑस्ट्रेलिया वाले तकरीबन अब मान ही गए हैं कि मुश्किल हो गया। अगर होगा तो क्राउड के साथ ही होगा,
नहीं तो बगैर क्राउड के वो वही होता है ना कि ये तो वही गल है कि असी नहीं मनना। सही बात है, मुश्किल है। अगले साल दो हो जाए कोई मसला नहीं है यार रिजवान। सही बात है। साउथ अफ्रीका का बता दिया मोहसिन भाई ने कि वो जो थ्री टीम का फॉर्मेट था वो एक तो उनका जो क्रिकेट की जो मिनिस्ट्री है या वट एवर वो कह रहे हैं भाई साहब सानू तुसी कंसेंट च लै के अनाउंस करया करो, इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। श्री सांत बिलीव्स ही कैन प्ले फॉर इंडिया इन 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ही इज नाउ इन द प्रोबेबल्स, वो अपनी टीम में आ गए हैं, जो ट्रॉफी वाली टीम है उनको रणजी ट्रॉफी खेलेगा अभी सीजन में। तो लेट्स सी कि वो कितने फिट है, नजर तो वैसे वो फिट आ रहे हैं, टाइम तो काफी निकल गया है, लेकिन लेट्स सी कि क्या करते हैं। और आपके पास इसी से रिलेटेड एक सवाल होगा, वो आप जब सवाल लेंगे तो आप बोल दें आपके जेहन में आ गया तो नहीं, वो नाम ले लेना कोई है साहब, नाम मैं बोल दूंगा पढ़ के आपके जेहन में। वो फरमाते हैं जी कि आप जिस तरह पाकिस्तानी फिक्सर्स और जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको जिस तरह बैश करते हैं, आप इंडियंस को नहीं करते। और अजहरुद्दीन देखें भाई, उन्होंने क्लियरेंस ले ली थी। जडेजा अजहरुद्दीन का केस डिफरेंट है, श्री सांत का केस डिफरेंट है। जब वंस यू गेट क्लियरेंस, क्लीन चिट एंड यू फॉट अ केस, तो फिर हम कैसे आपको गलत कह सकते हैं? श्री सांत क्या वो क्या प्रूव हो गया कि इसने नहीं किया था? तो भाई तभी तो इजाजत मिल गई है ना। अच्छा, अजहरुद्दीन और जडेजा से भी तो वो नहीं हुए ना, क्लियर हुए हैं ना केसेस से। की तो वो मूवी बनी इमरान हाशमी, मतलब केसेस से क्लियर। वो तो खैर मूवी क्या चली तो वो अब देखें अजहरुद्दीन का तो वो देखें इमरान हाशमी को आपने ले लिया, वो इमरान हाशमी और अजहरुद्दीन में तो जमीन यार उसने कॉपी किया था उसी तरह, शोल्डर ऐसे नीचे करके कॉलर ऊपर करके वो वैसे खेल रहा। देखिए कॉपी या रोल जो सही प्ले किया ना वो सुशांत ने किया था वो धोनी वाला, ये मान लें। मतलब मैंने रात भी उस फिल्म को दोबारा देखा यार, मुझे नजर ही नहीं आता उसमें कहां ही कोई झोल हो, लगता ही नहीं है कि धोनी है या वो नहीं है। आप इमरान हाशमी वाली दोबारा देखना, आपके ज़हन में इमेज एक इमरान हाशमी का दूसरा बना हुआ है ना, आपका इमेज दूसरा बना हुआ है तो आप उसको नहीं कहां अजहरुद्दीन और कहां है, मतलब यार वो फिल्म मतलब अब मैं क्या बोलूं, बस ठीक है। नहीं नहीं वो क्या एक्ट्रेस है नरगिस फाखरी उसके साथ अच्छा नो कमेंट्स अच्छा था वो गाने हिशाने में अच्छे थे। अच्छा जी फिर आपके जो कमेंट्स हैं वो यार एक बंदा भाई साहब आप कह रहे हो एक गेंद पे वो जो तीन स्कोर चाहिए वो एक गेंद हो, वो खिलाड़ियों का वो सारा है वो जल्दी से बता दें, ये मैं उसको निकाल लूं पहले। वैसे मैं तो समझता हूं कि जो अच्छी क्लास का बैट्समैन है वो तो आखिरी गेंद तक फिर नौबत जानी नहीं चाहिए। सवाल नाम लें उनका, वो दो तीन दिन से कह रहे हैं माधवान का ऐसा नाम है वो 99 है ना, बस ये ना जल्दी जल्दी बताते जाओ इसमें हमने एक मिनट। धोनी वर्सेस वकार, अगर धोनी सेट है तो धोनी कर जाएगा। बेवन वर्सेस बुमराह, बुमराह ऊपर आ जाएगा। स्टोक वर्सेस एम्ब्रोज, आई थिंक एम्ब्रोज जो ऐसे नहीं करने देगा। क्रूजनर वर्सेस स्टार्क, मेरा ख्याल है क्रूजनर कर जाएगा तीन रन। कोहली वर्सेज वसीम अक्रम, मेरा ख्याल है वसीम अकरम ऐसे स्टेज पे करने नहीं देते किसी को, और ये पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि ये एराज का बहुत ज्यादा फर्क है। मेरा ख्याल है 50-50 है दोनों में, वसीम और कोहली में। अच्छा जी बटलर वर्सेस वार्ने, मेरा ख्याल है बटलर 6 मार जाएगा। मियादाद वर्सेस मलिंगा, मेरा ख्याल है मियादाद कर जाएंगे स्कोर 3 रन। हसे कर जाएगा आर्चर के खिलाफ। मैक्सवेल वर्सेस मुरली, मेरा ख्याल है मुरली मैक्सवेल को नहीं करने देंगे। एबीडी वर्सेस सकलैन, मेरा ख्याल है एबीडी को सकलैन नहीं करने देंगे। जी ठीक है जी, अभी आपकी तसल्ली होगी, आप इतने दिनों से पूछ रहे थे। ये सिनेरियो ये है, पिछले दिनों शक्री की इन्फो ने बोला था कि अगर 3 स्कोर चाहिए और एक ये मनु रावत थे जिन्होंने कहा था कि कितने पैसे जो है ना आप लेते हैं नाम बोलने के। भाई साहब अभी तक नाम लेते होते तो मालामाल हो जाते। बहरहाल जी आपका ये क्वेश्चन हो गया, और आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे भाई आप ये क्यों नहीं ले रहे क्यों नहीं ले रहे, तो पता ये हो गया। लेकिन आखिरी गेंद तक वैसे जो अच्छे बड़े बैट्समैन काम जाने एक देते। अमान अफ्ताब है यूक्रेन से, वो भी हमारा शो देखते हैं। एक अज्जू पटेल है 1023 है, एक अमित चक्रवेदी है सिडनी से हमारा शो फॉलो करते हैं। एक सुजाल त्रिवेदी है कनाडा से, एक तानमिया चेन्नई है चैनी है
तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जनाब, ये सवाल किसका था यार? अब ये रेपिटेशन, आपने भी नाम लिख दिया, मैंने भी लिखे हुए। अच्छा, अमन आफ्ताब का फिर बता दो, कह रहे हैं जी रोहित शर्मा अगले कितने वर्ल्ड कप खेल, मैंने लिखा है इसमें कि दो तो वो अगर फिटनेस रही तो दो तो खेलेंगे। दो तो आप कह रहे हैं अगले साल ही दो हो रहे हैं वर्ल्ड कप, 50 ओवर कह रहा है, T20 कह रहा है, अब ये नहीं पता। हाँ तो मैं 50 ओवर कह रहा हूँ भाई। अच्छा, एक 23 में होना है, एक 37 में होना है, 27 में, सॉरी एकदम पकड़ लेना था, 27 में, तो दो लगता है खेलेगा। हाँ। और ये लकी सिंह का सवाल ले लीजिएगा आप, इज देयर एनी कैप्टन राइट नाउ एज विलियमसन? भाई विलियमसन इज ए कूल कैप्टन, ही इज सेम लाइक रूट भी बड़ा कूल कैप्टन है। हाँ। लेकिन अगर आप कैप्टनसी की ओवरऑल बात कर रहे हैं कि कौन कौन से हैं, तो देखें वो भी बड़ा अच्छा है, मॉर्गन भी बड़ा अच्छा है, कोहली इज नॉट अ बैड कैप्टन, ये ठीक है वो ICC टाइटल नहीं जीत पा रहे लेकिन वो अच्छा कप्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी डिकॉक बना है अभी, वो भी अच्छा टीम को लेके चल रहा है, लेकिन इट्स टू अर्ली। तो विलियमसन के साथ के कप्तान तो है ना जी रोशन भाई, डिकॉक बने तो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है, तो बाबर बने तो आप कहते हो नहीं अच्छा नहीं है, ये क्या है? पुराना क्या? खेल रहा है, सेटल इन हुआ है, तो पांच उसके साल बाबर का भी हो गए यार, यार बाबर को पहले कप्तानी मिली थी कभी, अंडर 19 का कप्तान था पाकिस्तान की टीम उसके बाद बाहर बिठा दिया था लाहौर लीजेंड ने, अगर इस्लामाबाद ना खिलाता तो कौन बाबर आजम तो और कौन हम का तो था ना। चले बहरहाल जी अगली। अच्छा भाई साहब, मिस्टर गाब सिंह है, ये कह रहे हैं जी दूसरी बार मेरा कोरोना का पॉजिटिव हो गया था, मैं दोबारा रिकवर किया, चलो अच्छी बात है, लेकिन आप ना फिर एहतियात भी करें ना, आपने तो मतलब बार बार मतलब एक दफा हो गया, फिर दूसरी दफा भी आपको होना नहीं चाहिए था, लेकिन यू शुड ट्राई टू टेक मोर केयर। वो कह रहे हैं जी शोएब अख्तर साहब को क्यों नहीं खिलाया 2011 का सेमीफाइनल? खिलाना चाहिए था, ज्यादती हुई है, उसका स्वैंग सॉन्ग होना चाहिए था, उस पर मैंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था, आप पढ़ सकते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ये मस्ती की इसकी थी, वकार यूनुस की थी या कैप्टन की? नहीं देखें, कप्तान का काम था, जब इसने हमेशा शाहिद अफरीदी को सपोर्ट किया है शोएब अख्तर ने, तो इसको खिलाना चाहिए था, मैं एग्री करता हूँ, खिलाना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, खिलाना चाहिए था, आखिरी मैच उनको करियर का। नवदीप सिंह जो है ना, वो कहते हैं रिजवान भाई आप मोहसिन भाई के इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। क्या मतलब? मतलब है मुझे आप काबू कर लेते हैं, वो ये कहना चाहते हैं। मैं चुप करके बैठा रहता हूँ, बोलते रहता हूँ मोहसिन भाई, मैं बीच में कोई सवाल की जसारत करूँ तो आपको वो भी बुरा लगता है? नहीं, वो तो कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं वो कह रहे हैं अच्छा करते हैं आप, वो आपको तारीफ कर रहे हैं। अच्छा तारीफ कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप इमोशनल हो। अच्छा वो कह रहे हैं कि आप इमोशंस में बह जाते हैं, भावनाओं में, मुझे पकड़ लेते हैं, आपको कंट्रोल करता हूँ कि भाई आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात बोल दी है। विवेक यादव कह रहे हैं जी व्हाई सेम टीम ऑफ इंडिया इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स? नहीं नॉट सेम, टू मेनी एक्सपेरिमेंट्स बीइंग डन बाय शास्त्री एंड को। सेम होती तो आपका विनिंग रेशियो बहुत ज्यादा होता जी। सेम नहीं, टेस्ट के तो 3-4 खिलाड़ी तो आपके टेस्ट ही खेलते हैं, शान शर्मा हो गया, पुजारा हो गया, और रहाणे हो गए, साहा हो गए, अग्रवाल हो गए, तो अग्रवाल तो 4-5-6 तो आपके टेस्ट के यही हो गए, तो फिर सेम कैसे हुआ? नहीं वो कहना यही चाह रहे होंगे, ऑलमोस्ट वही नाम रिपीट होते हैं, मेरा ये जाती ख्याल है, सवाल उनका इस तरह का। नहीं सेम मतलब के एक ही खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में, दिस इज व्हाट आई गॉट, शायद ये कहना चाह रहे हैं। बहरहाल आप बता दीजिए। मन्नू सिंह कह रहे जी वकार यूनुस लेजेंड खिलाड़ी थे लेकिन अच्छे कोच क्यों नहीं साबित हुए? भाई ये जरूरी नहीं होता एक अच्छा जो है ना खिलाड़ी वो अच्छा कोच हो, या अच्छा कोच एक अच्छा खिलाड़ी हो, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे बॉब वुलमर थे वो नहीं खेले लेकिन बड़े अच्छे थे, मिकी आर्थर भी कुछ ज्यादा नहीं खेले तो वो भी बड़े अच्छे कोच थे, शुक्र है मिसबा के मुकाबले में कह रहा हूं, शुक्र है जब मिकी आर्थर थे तो आप तो कहते थे ये इसको रखा क्यों है, शुक्र है कोई पॉजिटिव बात, मिकी आर्थर भी रूह उसकी खुश हो जाएगी, बल्कि अभी तो हयात ही है। अच्छा मोहसिन भाई, और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये एक हुनर होता है अपना जो फन है वो दूसरों को आगे देना, और कई दफा बहुत PhD टीचर्स होते हैं, काम लेना ना, देखे काम लेना प्लेयर से, ये एक बड़ा आर्ट है, समटाइम्स PhD टीचर होते हैं लेकिन वो अपना जो इल्म है जो नॉलेज है वो स्टूडेंट्स तक उस तरह नहीं दे सकते जिस तरह शायद कि एक MA पास या MPhil पास, ये एक नेचुरल भी एक एबिलिटी होती है इंसान। ट्रू। पूरन साहब कह रहे हैं जी डेल स्टेन को कहाँ रेट करते हैं, बड़े बॉलर हैं, W यस ही इज अ वेरी क्लास एक्ट, उसने बड़ी विक्ट्रीज, इंजरी प्रोन रहा है लेकिन उसने बहुत किरदार अदा किया। विनोद कुमार, बॉलिंग कॉम्बिनेशन ऑफ पाकिस्तान इन इंग्लैंड? बॉलिंग कॉम्बिनेशन, आई विल फर्स्ट सी द पिच, हाउ इट बिहेव, हाउ इट लुक लाइक, अगर तो ग्रीन टॉप है तो आई विल गो विथ 4 फास्ट बॉलर्स।
अच्छा यस, तो एक स्पिन बॉलर नसीम होगा, नहीं उसमें स्पिन बॉलर होगा, नहीं एक... स्पिनर तो पाकिस्तानी टीम इतनी जरूरत से जाएगी कि पांच स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ, हालांकि जाना चाहिए वो जिससे भी जाए, आप अपनी बताएं। मैं एक स्पिनर और चार फास्ट बॉलर्स के साथ जाऊंगा अगर विकेट है, वरना तीन फास्ट बॉलर। तो फिर फवाद को नहीं खिलाएंगे तो आप बोलेंगे वेख्या नहीं खिलाया, नहीं उठे भी नहीं खिलाया, पिच के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर आप स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे तो फिर मैं कैसे इतराज कर सकता हूँ। फिर ऑब्वियसली आप असद शफीक को तो नहीं बैठाएंगे फवाद आलम के लिए, बाबर तो नहीं बैठेगा ना, तो ऑब्वियसली ये बात तो है, अजहर अली भी नहीं बैठेगा, शान और उसको खेलना चाहिए आबिद अली को, इसमें कीपर हो गया एक रिजवान, छह पूरे, वही कह रहा हूँ ना, फिर तो ऑब्वियसली इसी तरह होगा। और मैं इंजमाम की स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हूँ कि मिसबा को नहीं कहना चाहिए था कि सरफराज जो है ना वो कवर है, गलत बात है भाई, आप लेके जा रहे हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी टीम खिलाएं, आप चीफ सिलेक्टर हैं, आप हेड कोच हैं। सवाल पूछा ना कि जी आप किसको नहीं कहना चाहिए था ना, उसने उसे कहना डिप्लोमेसी के जी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, कोच है ना, अपने पत्ते नहीं रिवील करने चाहिए, मैं ये बात मानता हूँ जी। ठीक है जी, एज पर कंडीशंस ही होगा, और चार फास्ट बॉलर फिर फहीम अशरफ को डालेंगे क्योंकि बैटिंग भी कर ले थोड़ी। नो नो वे, आई विल गो विद नसीम शाह, टेल बहुत कमजोर हो जाएगी हमारी, वहाब यार अगर आपके पास तगड़े फास्ट बॉलर हैं तो वो आउट नहीं कर सकते, आप डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड से क्यों जाते हैं, आप विकेट लेने जाए ना यार, इनसे 200 नहीं बनते सर, ये तो आपका प्रॉब्लम है ना, 200 तो नहीं बनते, बैटिंग और कमजोर, आप 200 रन देंगे आपकी बॉलिंग स्ट्रांग होगी वो रोक लेंगे, अगर आप तीन स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे तो आप 400 भी करेंगे वो करने के चांसेस होंगे दूसरी टीम के पास। अच्छा नहीं, फहीम अशरफ जो है उसने पिछली दफा फहीम अशरफ से बाहर निकल आए, बस करें 50 की थी एक आधे मैच में, ओ यार हूं इस 50 नु के चटिए बह के सी के करिए तो बस करो, और तो कोई है नहीं ना, तेज नाम आप लें तेज, वरना मैं लेने शुरू कर दूंगा आपके। अच्छा जी, तेज तेज ज्यादा नाम लें। अच्छा जी, दीप सिंह का वो कह रहे जी शर्जील को क्यों नहीं पिक किया भाई, पहले वो वजन कम कर ले अपना, फिटनेस जी, वजन बहुत है उसका। निहाल सिंह है, करण है, मनदीप है, इसके अलावा जिगर माने साहब हैं, सार दयाल साहब हैं, ये वहाँ पे ट्रक चलाते हैं अमेरिका में, विनय हांदा साहब भी वैसे अमेरिका में ट्रक चलाते हैं, अजय जोशी है, रोहित गिलानी है, उसके अलावा साहिल चौधरी हैं, राजा माधु साहब हैं, सिंह जगजीत हैं, प्रमोद आर्या, अमर भाई रबरी, विजानी सरकार है, मोहम्मद हसन है, नितेश श्याम सर, बुल्ला जी की आज बर्थडे है, बुल्ला जी आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, शुभकामनाएं, अल्लाह भगवान आपको लंबी उम्र अता करे। मनप्रीत सिंह है जी, क्रेक चटर जी, भूषण दल्लू खान है जी, अजय यादव हैं जी, ज्योति कुमार हैं जी, विजय दे वीरज दे हैं जी, मनु रावत, गुरचीत सिंह यूएसए से हैं जी, वेद प्रकाश पांडे हैं, दीक्षित कमल हैं, प्रवीण सोनी हैं, आगे चले नवदीप सिंह हैं, सुजल त्रिवेदी हैं, उसके अलावा जी पीन सिंह मान साहब और शिवम, उनकी हैप्पी बर्थडे है, वाह वाह जी, वेरी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एक भाई है जी उसका नाम है इंद्रजीत सिंह, वो कह रहा है मेरी भाभी की बर्थडे है, मेहरा, वो इंद्रजीत सिंह मेहरा, इंद्रजीत सिंह मेहरा कहने मेरी भाभी की बर्थडे है जी, भाभी जी तुहानू जन्मदिन दिया बहुत बहुत शुभकामनाएं, लगता है भगवान तुहानू लंबी उम्र दे, गुरु तुहानू अपनी मान च रखन, तुसी जनाब बहुत ही लंबी हयाती वेखो, खुशो खुरम वेखो, बच्चियां दी खुशियां वेखो, और दसो बस जी, लगता है ना इंद्रजीत नु सही परौंठे पका पका के खवांदे ने तां ही भाभी दी बर्थडे विश करा रहे, नहीं भाभियां वैसे भी मामा दी जगह होंदियां ने, नहीं अच्छी बात, कोई रह ते नहीं गया जी, साहिल चौधरी यूके तू कह दित्ता, कह दित्ता जी, सारे कह दित्ते, मौसम भाई तू कह दित्ता, टाइम इज रनिंग शॉर्ट एंड आखिरी मिनट है टू से बाय बाय, एंड काला डी यूके तू कह दित्ता, ग्रेग चैटर्जी कह दित्ता, अपना ख्याल रखो, पिपलां दी छां होवे ते असी मक्खन ते पनीर ते साग खा रहे होईए, देखो पनीर मैं बहुत ही खांदा, हमेशा खान दी गल ही करदे हो तुसी यार, गल है कि जिंदगी च खाना भी तो जरूरी है ना, हुण तुहाडी तरह चिकन मटन नहीं ना मैं खुश खा रहा है, भाईओ ते भैणो अपना बहुता ख्याल रखो, अपने चैनल नूं लाइक करो, सबसक्राइब करो, कमेंट्स करो, तुहाडे ट्विटर ते भी असी लैने आ, इनबॉक्स च भी लैने आ, कमेंट्स जिहड़े तुसी शो दे तले करदे हो ओह भी लैने आ, अपना बहुता सारा ख्याल करो, प्यार वंडो प्यार वंडो प्यार वंडो,
लव यू ऑल, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल ट्राई टू अकोमोडेट योर कमेंट्स, मेनी मोर, यस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और आज सूरज ग्रहण है उसमें जरा बच के रहो, देखना नहीं सूरज की तरफ, ठीक है, बाय बाय।